एक तो ऐसा हुआ है कि उसकी योग्यता के अनुरूप उसको काम नहीं दिया गया है, जो काम वो बहुत बढ़िया कर सकता था वो उसको नहीं मिला है, उसको उसकी योग्यता से बढ़िया काम मिल गया है और वो कर नहीं पाता है। एक और, या तो उसकी योग्यता से बहुत निम्न कोटि का काम मिल गया है तो उसमें वो फिट नहीं बैठता है, उसमें संतुष्ट नहीं है, इसलिए उसकी प्रकृति का अध्ययन करके वो जिस काम में लग सकता हो उसमें लगाना चाहिए। एक दवा कूटने के लिए भी चाहिए है? और एक मैनेजर होने के लिए चाहिए। तो जो हाथ का काम करने वाला है उसको यदि मैनेजमेंट दे देंगे तो वो अलसा जाएगा, और जो मैनेजमेंट कर सकता है उसको यदि कूटने का काम दे देंगे तो बिगाड़ देगा। मेरा मैनेजमेंट का है, आपसे संकल्प करता हूँ तो बड़ा मुश्किल है सब लोगों को निभाना। मैंने ऐसे तुरंत आया और इंटरव्यू लिया और शायद जिस काम में लगा दिया वो नहीं। सीधा लोगों की नजर गुरु को ठीक ठीक है, उनको अपने जैसे खाते हुए पीते हुए अपने जैसे किसी के प्रेम में फंसे हुए अपने जैसे जहाँ शिष्य बैठा होगा ना उसी के अनुरूप उसी कोण से वो गुरु को देख सकता है, इसलिए अपने देखे हुए गुरु नहीं, गुरु जो अपना स्वरूप बताते हैं वो होता है। मैं जैसा बताता हूँ वैसा हम तो किस नजर से देख रहा है ये साबित है। तो वैसे गुरु के प्रति बने होना चाहिए, गुरु के प्रति जो है यदि गुरु के हित भावना पर विश्वास नहीं जा रहा, उसकी जो हित भावना है जैसे गुरु देख कर चाहता है उनको भगवान के स्थान में सामाजिक जीवन मुक्ति के रक्षा सुख में गुरु देखना चाहता है, इसलिए तुमको यदि जरा भी तुम्हारे कपड़े पर कहीं दाग लगने की संभावना दिख रही तो वो टोक देगा, तुमको लगेगा कि लग गया, क्या लगा, कुछ नहीं लगा, इससे क्या गंदगी आई। तो गुरु की जो हित दृष्टि है उस पर यदि तुम्हारा विश्वास टूट जाता है, अरे क्या रखा, तो वो जरा सी बात नहीं है, वो गुरु जी को ही जरा सा बना देना है। अरे हमने ताक देख लिया तो क्या हुआ, उसे लिया तो क्या हुआ, तुम लिया तो क्या हुआ, मैं लिया तो क्या हुआ, गुरु जी तो ऐसे ही शंका ही करते हैं, शंका सुना कि हम आदर्श की बात बोल रहे हैं, बचपन बचपन तो व्यवहार सब होते ही रहते हैं। सबसे इज्जत प्राप्त करो, गुरु से इज्जत नहीं उससे अपने दोषों की वो जानकारी प्राप्त करो जो तुमको भी मालूम नहीं है। तो वो दोष छूट कर जाने होते छीजन को छुपा के, जब भी दोष में निर्भरी होना है तो जरूरी सीखा रहा गुरु के पास नहीं जाते, नहीं जाए और खूब मजे से उनको बता दे कि हमारे अंदर जो दोष है और इसको हम पूरा करना चाहते हैं, निकालना नहीं चाहते, सीधे सीधे सरल हृदय से बता दो इस दोष को हम निकालना नहीं चाहते, हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, गुरु इसको पूरा करने में मदद करेंगे, पूरा करने में मदद, यदि उसके लिए दोष और गुण दोनों गुरु के लिए समान होते हैं, उस संधाना में इतना लंबा हाथ होता है गुरु का कि वो कुएं में डाल के और अपने हाथ से निकाल दे। समझाना तो हमारे गांव का शब्द है, उसके बाद नहीं है, आप बताते हैं समझाना एक होता है जिसमें बर्तन डाल देते हैं। हाँ हाँ, और रात को एक नाद में मिट्टी के नाद में वो हमेशा से रखा रहता है, छह महीने बारह महीने से हाँ, उसमें कूड़ा कचरा गंदगी सब रहती है, पानी रहता है, तो रात को बर्तन उसमें डाल देते हैं,
और मैल इतने जल जाते हैं कि सवेरे उठा के जो हाथ बनाया उसको तो सब मैल साफ हो जाते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं, चोरी करने का मन हो तो बता देंगे कि कहाँ जाने पर तुमको ध्यान मिलेगा। और ऐसी लड़की दे सकते हैं कि जिसको हम कह दें कि इसको जा कर लो तो वो कर ले। और ये जो चाम है आंख है नाक है और जरा विपस्टिक को करवा दो रोज पढ़ते तो देखो, अगर अच्छे होते तो विपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है। हम बता देंगे तो तुम लोगों को दुर्भर नजर जाएगी। एक स्त्री मुंबई में आती है तो अपने होश में विपस्टिक कभी मिल जाती है क्योंकि उसके होश में ही लगता है कि रंगे रंगाए स्वाभाविक। अब तुम लोग सबका होश देखने लगोगे इसलिए बताना बेकार है। भोजन की सादगी में जितना स्वाद है उतना बनावट में है ना। बच्चे में जितना उत्तम परिवर्तन होगा बच्चों पर उसका उतना अच्छा होगा। महात्मा गांधी का ईश्वर पर कितना विश्वास है। अब राष्ट्र सेवा समाज सेवा की दृष्टि से महात्मा गांधी और वैज्ञानिक दृष्टि से देखो विद्या की दृष्टि से सर राधा कृष्ण ये ईश्वर पर कितना विश्वास करते थे। बच्चों की नजर उधर जाती ही नहीं है, वो अपने को ही अपनी बुद्धि को ही सबसे श्रेष्ठ समझता है। अब उनको रविशंकर महाराज अच्छे नहीं लगते।